हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसर के बारे में। क्या प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक मोबाइल का हार्ट होता है, ब्रेन होता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो भी आप अपने मोबाइल में टास्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको रन करता है, वो प्रोसेसर ही होता है। जैसे कंप्यूटर्स वगैरह में सीपीयू होता है, ऐसे एक प्रोसेसर भी एक सीपीयू है, उसका ब्रेन है वो। जो भी आप टास्क, कोई ऐप एप्लीकेशन खोलते हैं, वो पहले प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर उसको लोड करके देता है। जितना फास्ट होगा उतना उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा। ज़्यादातर प्रोसेसर्स क्वालकम, मीडिया टेक, गूगल और TSMC कंपनी डेवलप करती है। तो एंड्रॉयड में प्रोसेसर ज़्यादातर होते हैं क्वालकम के, मीडिया टेक के, और गूगल के अभी लॉन्च नहीं हुए, इस साल लॉन्च होंगे, क्योंकि उन्होंने बस मैसेज किया है कि ट्वीट किया है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो क्वालकम के प्रोसेसर है वो पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे जो S21 आया था, वो S21 Ultra आया था, उसमें क्वालकम का प्रोसेसर था। तो जो फ्लिप वाले फ़ोन आ रहे हैं, फोल्ड वाले, उसमें भी क्वालकम का ही है। और जो आया था S21 Plus और S21 कला, उसमें था एग्जॉनस का प्रोसेसर था। वो प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं, बट वो प्रोसेसर इतना हीट करते हैं कि आपको सर्दियों में ना ग्लव्स डालने की ज़रूरत नहीं, वो आपका चलता फिलता हीटर होता है, इतना हीट करते हैं फोन। जो S21 Ultra में था Snapdragon 888, और अब 888 Plus भी आ चुका है। और अब जो बात करते हैं एप्पल के मोबाइल्स में कौन सा प्रोसेसर होता है, एप्पल के मोबाइल में होता है प्रोसेसर A सीरीज़ का, A8, A9, A14, A15, A12 एक्सेट्रा, ये प्रोसेसर होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हम थोड़े से बात कैमरा में भी ले जाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि एप्पल के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, और उसका सिर्फ जो नंबरिंग में उसको 12 मेगापिक्सल बताया जाता है। 12 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल के कैमरे से कैसे आ जाते हैं? जैसे S21 Ultra का 108 मेगापिक्सल का था, उससे कैसे हार गए वो, सोचो। क्योंकि उसके पीछे प्रोसेसर का हाथ है। जितना मान लीजिए मैंने कैमरा कर दिया 108 मेगापिक्सल का, तो फिर भी वो इतने इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा, जिन नज़र उसको पावर नहीं मिल रही। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक इंसान की, वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत अच्छा है, हर किसी को मार सकता है, हर किसी को लड़ाई में, कुश्ती में हरा सकता है। बट जितने देर उसके पास दिमाग नहीं होगा, उस दिन वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एंड्रॉयड के कैमरा होते हैं, ऐसे एंड्रॉयड के कैमरा जितने मर्जी पावरफुल हो, जब तक उसके पास ब्रेन नहीं, उसके पास पीछे से कोई कमांड करने वाला नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? अच्छा सोचो, ये बहुत अच्छी मैंने एग्जांपल दी, समझने वाले समझ जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की, इसके बाद प्रोसेसर बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे कैमरे डेवलप कर सकता है। और कैमरे में अब आपने सुना होगा प्रोसेसर में कि ये इतने NM पर बिल्ड है, ये 5 NM पे बिल्ड है, 20 NM पे बिल्ड है। और NM क्या होता है? NM होता है नैनोमीटर। जब प्रोसेसर के आप पिक्चर देखते हैं, उसमें ऐसी लाइंस होती हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर आ रही होगी, वहाँ पर ऐसे लाइंस होते हैं, उसके बीच में जितनी कम स्पेस होगी उतना अच्छा प्रोसेसर। ऐसे वो होती है, इसको देखकर ही उसका नाम दिया जाता है, ये 5 NM है, ये 10 NM है, ये 20 NM है, ये 45 NM है। मेरा जो iPhone 6 है वो 20 NM पर बिल्ड है, और जो 13 Pro Max आया है वो 5 NM पर बिल्ड है, और जो आया था S21 Ultra वो भी 5 NM पर था। बट वो इतना अच्छा स्पीड टेस्ट में क्यों हार गया, 12 Pro Max से क्यों हार गया? क्योंकि उसका उसके पास वो क्वालकम है, क्वालकम अच्छे प्रोसेसर बनाता है बट हीटिंग बहुत करता है। तभी तो हर किसी की शिकायत थी कि रात को 100% चार्ज करो, सुबह तक 91 अपने आप चले जाता था। वो हीटिंग करता था, बैटरी ड्रेन कर कर उसका प्रोसेसर इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता था। एप्पल का प्रोसेसर 5 NM पर होता है, फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि ये प्रोसेसर ऑक्टा है, ये हेक्सा है, ये डुअल है, ये सिंगल है। और इसमें आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक बंदी की कंपनी है, उसके पास इतना सारा लोड है, हर कोई उसको कह रहा है कि मुझे अपना प्रोडक्ट दो, अपना प्रोडक्ट दो, ठीक है? तो जै इसी इतनी बात को मैं मोबाइल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक आपके पास मोबाइल है, तो उसका जो प्रोसेसर है वो कंपनी का मैनेजर है, तो
तो जो आप अलग अलग ऐप्स खोल रहे हैं, जैसे मैंने फ़ोन खोल लिया, एक गेम खोल ली, वो सारे क्लाइंट्स हैं, वो आपको उस प्रोसेसर से मांग रहे हैं जल्दी से मुझे पावर दो। तो जो पावर है, अगर वो अकेला सिंगल कोर लगा रहे हैं उससे, तो वो तो बहुत ही स्लो करेगा, इसलिए आपका वो काम स्लो होता है। अगर वो डुअल हो, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और आगे ऐसा ही होता है, हेक्सा में 6 चीज़ें काम करती हैं, ऑक्टा में 8 काम करती हैं, डुअल में 2 काम करती हैं, ठीक है। ऐसे सबसे ज़्यादा फास्टेज होते हैं ऑक्टा में, ऑक्टा में 8 काम करते हैं, इसलिए आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। अब बात कर, हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, रैम की वीडियो में लग नहीं बनाएंगे, रैम भी मैं इसमें कवर कर लूँगा। रैम जान लीजिए, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में S21 Ultra की बात करते हैं, उसमें 8 GB 16 GB की रैम है, बट एप्पल के 12 Pro Max 13 Pro Max में 6 GB की रैम है। वो कैसे जीत रहा है? क्योंकि उसकी रैम मैनेजमेंट अच्छी है। S21 वगैरह की एंड्रॉयड की रैम मैनेजमेंट नहीं अच्छी, उसमें 6 GB रैम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे उसमें आपको रैम मिलती है LDMX, वो भी रैम है, मुझे नाम नहीं याद, मैं आपको यहाँ पर रैम नाम भी बता दूंगा। जितनी अच्छी रैम मैनेजमेंट, उतनी अच्छा काम। और आप जो देखो, अगर स्पीड टेस्ट करते हैं, तो कुछ चुनिंदा ऐप वो एंड्रॉयड जल्दी खोल लेता है, बट जब रैम मैनेजमेंट टेस्ट होता है, तो फिर तो वो दिखता ही नहीं है हजारों किलोमीटर दूर एंड्रॉयड एप्पल के सामने। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छी तरह समझ आई हूँ। मैंने रैम इतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं की, मैं आपको बाद की वीडियो में रैम अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।